हमने फ्लोर बनाए थे उन पे हमें सिलाई देनी है। बिल्कुल जो हमारे निशान है उसके ऊपर ऊपर हमें सिलाई लगानी है। तो हमारा जो डिज़ाइन है वो ड्रॉ हो गया है। अब इसे फोल्ड कर देंगे ताकि बीच की लाइनिंग अच्छे से बन जाए। अब हमें इस पर सिलाई देनी है, तो पहले इसे थोड़ा साफ़ कर लेंगे ताकि ये थोड़ा लाइट हो जाए और इस पर अच्छे से सिलाई लग जाए। तो अब इसके बिल्कुल ऊपर ऊपर हम सिलाई देंगे। अब जो हमारा फ्लावर है वो अच्छे से बन चुका है, इसके बीच की लाइनिंग भी हमने कंप्लीट कर ली है। अब जो बाहर का हमने हाफ सर्कल बनाया है उसे कंप्लीट करेंगे। तो फाइनली हमारी ये भी सिलाई लग चुकी है। अब जो हमारी पत्तियां हैं उन्हें कंप्लीट करेंगे। इस तरीके से हमने सारी पत्तियां वो कंप्लीट कर ली है। अब जो हमने साइड में ये लाइनिंग की है इस पर हमें सिलाई देनी है। हमें दूसरी तरफ भी सिलाई देंगे इस पर। जो बीच के हमने ये लाइनिंग की है इस पर हमें निशान लगा दिए थे उस पर हमने सिलाई देनी है। सभी पे अच्छे से सिलाई दे ली है। तो ये हमारा कंप्लीट हो गया। अब दूसरी तरफ हमने सिलाई निशान लगाए थे उस पर हमें सिलाई लगानी है। इनके फ्लावर्स के बीच में भी हमें लाइनिंग करनी है। अब इसी तरीके से दूसरा फ्लावर भी हमें तैयार करना है। तो अब इसके बीच वाले भी हमें ये तैयार कर लेने हैं। तो देखिए अब हमारा जो पोंचा है उसकी हमने सिलाई कंप्लीट कर ली है। तो हम आपको दिखाती हूँ कि कैसा हमारा डिज़ाइन बन के तैयार हुआ है। देखिए हमारा डिज़ाइन बहुत ही अच्छा बन चुका है। ऐसा ही हम बिल्कुल दूसरी तरफ भी ड्रॉ करेंगे बनाएंगे। तो ये हमारा पोंचा तैयार होने के बाद इस तरीके से दिखाई देगा। बहुत ही ब्यूटीफुल डिज़ाइन बना है। एक बार आप ट्राई कीजिएगा। थैंक यू।